हर पहलू दिखाएंगे, पूरा बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन और सरकार किस तरह से इस खेल में शामिल है। ये और ये इलेक्शन कमीशन के जवाब के मतदाता के साथ में इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इंटरनेशनल एक संस्था है उसने कागज फेंक के मारे इनके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह मशीन बनाई उसी ने इस पर कहा कि इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। यह है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। मैंने आपको बताया था कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, सारा काम सरकार कर रही है और नाम कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन कि इस बार 400 के पार। मोदी जी ने तो कहा कि इस बार सारी सीटें जीत के लाएंगे। ये है असली कहानी जो मोदी जी दिखा रहे हैं। एक नया काल चक्र शुरू हो गया है, एक नया एरा शुरू हो गया है, अमृत काल। वो जो अमृत काल है ना मोदी जी, एक बार मैदान में बैलेट पेपर से हान होगा। हमने आपसे कहा था कि 24 तारीख को हम एक खुलासा करेंगे और हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बताएंगे कि ये ईवीएम का जो सारा खेल है ये क्यों बनाए रखना चाहते हैं, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। ये मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। जो पीछे दो दिन पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो कुछ साथी बड़ा आग्रह कर रहे थे कि आज ही बता दो उस दिन क्या खुलासा है, आज ही बता दो। पर हर बात का एक समय होता है, एक तरीका होता है, और हमारी लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं है, किसी अनपढ़ से नहीं है। हमारी लड़ाई बहुत पढ़े लिखे लोगों से है और बहुत मजबूत, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो चाहे कर दें उनसे हमारी लड़ाई। तो लड़ाई फिर सबूतों के साथ ही लड़ी जा सकती है, कागजों से लड़ी जा सकती है। और मैंने आपको कहा था कि सबूतों के साथ बताएंगे इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कौन इसको बनाए रखना चाहता है। हमारे साथी हैं, उन्होंने ये आरटीआई लगाई, 3 आरटीआई, और ये आरटीआई उन्होंने लगाई एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक आरटीआई उन्होंने लगाई बीईएल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरी आरटीआई तीसरी जो लगाई उन्होंने वो लगाई ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हैदराबाद में है, बीएल बेंगलोर में। तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई, जो टाइमर वाली बात अभी हमारे साथी राजन पाल गौतम जी ने बताई है। साथ में यह भी पूछा गया कि जो वीवीपैट है, जो ईवीएम कंट्रोलिंग यूनिट है और जो बैलेट यूनिट है, इनकी पावर की, जो इनकी कनेक्टिविटी है, इनकी केमिस्ट्री है, वो क्या है। इस तरह के बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन मैं इन टेक्निकल सवालों को छोड़ते हुए बहुत सीधे एक सवाल पे आऊंगा, जिसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी और चीज की जरूरत आपको रहेगी। ये 18 सवाल पूछे गए, 18 सवाल में जो 6 सवाल हैं, उन 6 सवालों के विषय में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिस इंफॉर्मेशन पर्टेंस टू मेसर्स बीईएल एंड मेसर्स ईसीआईएल विच आर सेपरेट पब्लिक अथॉरिटीज एंड अंडर द आरटीआई एक्ट यू मे सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम डायरेक्टली। 6 के विषय में कह दिया कि ये उनसे संबंधित हैं, बीईएल से और ईसीआईएल से, आप सीधे उनसे पूछ लो। उसके बाद में जो 7वां सवाल है उसके विषय में कहा कि ये लेटर है इलेक्शन कमीशन का, इससे आपको पता लग जाएगी। 8वें सवाल के विषय में कहा कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। 9वें सवाल के विषय में कहा कि इलेक्शन कमीशन ही इनका मालिक है, जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, इनका मालिक इलेक्शन कमीशन ही है। 1 सवाल के विषय में कहा कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी नहीं है, और 1 सवाल के विषय में कहा कि इलेक्शन के बाद में कोई ऑडिट वगैरह होता है, उसने कहा कि नहीं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसी तरह से सारे सवाल पूछे गए और आखिर में एक सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 18, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और उसमें पूछा गया कि ये जो ईवीएम है, मैं जो एक्चुअल सवाल है वो इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। सवाल नंबर 18, वेदर ईवीएम्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स
एंड वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय एनी ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन इफ सो काइंडली प्रोवाइड मी डिटेल्स। क्या पूछ रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है, जो वीवीपैट मशीन है, क्या इनको किसी ने सर्टिफाइड किया है? भारत सरकार के किसी उपक्रम ने किया है? भारत सरकार ने किया है? कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन उसने किया है? यह सवाल है। जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन कहता है दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स बीईएल एंड मेसर्स ECIL विच आर सेपरेट पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द RTI एक्ट। यू मे सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम डायरेक्टली। मतलब ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। अभी मैंने जो सवाल आपको बताया वो सवाल क्या है, जिसका जवाब था कि इसका मालिक कौन है इन मशीनों का? मालिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है सवाल नंबर 9 पे, वोटिंग मशीन आर ओन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मालिक कौन है? इलेक्शन कमीशन। और जब ये पूछा गया तो कह रहा मुझे पता नहीं है, उनसे पूछ लो, ECIL से, BEL से। ओके, तो हमारे साथी ने फिर RTI लगाई BEL बेंगलोर को। उस RTI का जो जवाब आया आप उसे सुन लीजिए। ये इलेक्शन कमीशन को दी गई RTI थी ये, और ये इलेक्शन कमीशन के जवाब सारे, और ये इलेक्शन कमीशन का वो जवाब जो मैंने अभी 18वां आपको पढ़ के सुनाया था, ये जवाब है उसका। अब मैं BEL जो है उसको जो RTI लगाई गई थी, ये RTI उसको लगाई गई थी, ये RTI उसको लगाई गई थी। इसमें जो जवाब दिया मैं सीधा उसी को पढ़ता हूं जो 18वां सवाल है। बिल्कुल सेम सवाल पूछे गए हमसे, कोई अलग नहीं है। 18वें सवाल का ये देखें, लास्ट में जो है 18वें सवाल का जवाब देते हैं, वही सवाल है जो बिल्कुल पूछा, शब्द बाय शब्द वो है। जवाब बताता हूं केवल, ईवीएम्स एंड वीवीपैट आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी जो अभी बताई, एंड इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्शन एजेंसी आइडेंटिफाई बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। केवल वो तो बनाती है, और इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है एक्सपर्ट कमेटी, वो जैसा कहती है वो बनाती है, और वही उसका इंस्पेक्शन करती है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये जवाब देने में दिक्कत क्या थी कि सर्टिफाइड है या नहीं है, कौन क्या कर रहा है? इसके बाद यही RTI लगाई गई तीसरी जगह, ECIL। ये ECIL को लगाई गई RTI, और उसका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये उसका जवाब है। और इसमें बड़ी मजेदार एक बात, जो 18वां सवाल है उसका जवाब क्या है, ये 18वां सवाल का जवाब, एक लाइन का जवाब नीचे आप देखेंगे उसने दे रखा है। कहते हैं ECIL कहती है, जब यही सवाल पूछा गया कि भैया इसका सर्टिफिकेट कुछ है कि नहीं है, कहां किसने दिया, तो ECIL कहती है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाय STQC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक उस संस्था है ये, उसके द्वारा क्या कहा गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन, इंस्पेक्शन किया गया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यानी जो ईवीएम, जो वीवीपैट, जो बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट आप जिनसे चुनाव करा रहे हैं, आम जनता जिससे वोट डाली है, इस देश का वोटर जिससे डाला है, वो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल संस्था द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। आप बाजार से जाते हो, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता, नमक लेने जाते हो, नमक पे लिखा होता ना किसके द्वारा, लिखा तो FSSCI, लिखा AI,
होता नहीं होता, एफ एस एस ए आई होता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक संस्था बना रखी है जो सर्टिफाइड करती है, हाँ भाई खाने लायक है, जहर नहीं है, ठीक है, जहर के लिए भी है। और इसी तरह से और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज हो, तो उसमें बाकायदा मोहर लगे होते ना, आईएसआई, पहले आईएसआई था, अब आईएसओ हो गया होगा, ये भी होता है। मतलब कोई भी चीज बनेगी, वो चीज उसके कोई स्टैंडर्ड, कोई मानक नियुक्त किया जाएंगे, निश्चित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का बीआईएस है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनका बीआईएस है, कहीं से है? आपने तीनों को मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, जो इलेक्शन कमीशन क्या है उसने कह दिया उन दोनों से ले लो भैया, और दोनों ने कहा कि भैया वो तो जो कमेटी कहती है हम तो वही बना देते हैं, और तीसरे ने कहा कि भैया उससे जो है वो इंस्पेक्शन करके गई, सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब जिस प्रणाली से आप चुनाव कर रहे हैं इस देश के मतदाता के साथ में, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के लोग ये गए थे इसको पेटेंट कराने, जहां गए थे इंटरनेशनल एक संस्था, उसने कागज फेंक के मारे इनके, किस बात का पेटेंट करा रहे हो? क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह मशीन बनाई उसी ने इस पे कहा कि इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। और कोई भी चीज बना रहा है, चाहे आप ये मोबाइल है, चाहे आपका ये कैमरा है, ये कुछ भी है, कोई तो व्यक्ति बना रहा है ना, जो बनाने वाला है उसके विषय में पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर उसके विषय में कोई भी ऑथेंटिसिटी दे सकता है, ऑथेंटिक बात कह सकता है, को सर्टिफाइड कर सकता है, तो वो व्यक्ति होगा ना, कि ये कैसे करती है, क्या काम करती है। किसी व्यक्ति के विषय में आपको पता नहीं है, कौन सॉफ्टवेयर बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यह है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, मैं इसे सीधे शब्दों में बेईमानी बोलता हूं, और यह है इलेक्शन कमीशन का इस देश के लोगों को, मतदाताओं को धोखा, 100 करोड़ मतदाताओं को, 140 करोड़ नागरिकों की पीठ में छुरा भोंकना, यह है उसका काम। और अब और मजेदार बात, मैंने आपको बताया था कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन केवल नाम का है, सारा खेल तो सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? ये जो मैंने आपको ECIL की जो RTI दिखाई, इसमें शुरू में ऊपर देखो, बिल्कुल ऊपर, यहां पे बिल्कुल ऊपर ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उद्यम, यानी ये भारत सरकार की कंपनी है, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस देश में आज की तारीख में पिछले 10 साल से एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को, हर डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, यह उसका काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि केवल कहने के लिए इलेक्शन कमीशन है, सारा काम सरकार कर रही है। बैलेट पेपर छापने के लिए मात्र आपको 8 से 10 दिन चाहिए। जिस दिन नॉमिनेशन वापसी की डेट होती है और लिस्ट फाइनल होकर आती है कि यह कैंडिडेट है, उसके बाद में बैलेट पेपर छपता है। लेकिन ये मशीनों करे बनाने के लिए, यहां से वहां तक भेजने के लिए सालों पहले काम होता है, सालों पहले। वो कौन काम कर रहा है? वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सारा काम हो रहा है, यानी भारत सरकार काम कर रही है। वो भारत सरकार जिसे आप सब अच्छी तरह से उसके चरित्र को आज की तारीख में जानते हैं। और केवल यही नहीं, ये ECIL भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, जो BEL ये काम करती है, किसके अंडर में काम करती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये काम करती है ECIL। और अब दूसरी जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। यानी डिपार्टमेंट किसका है? सरकार का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा डिपार्टमेंट किसका है? वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, राजनाथ सिंह जिसके मंत्री हैं। यानी सरकार के अंडर में EVM, सरकार के अंडर में VVPAT, सरकार के अंडर में सब कुछ, और नाम कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन। जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आर्टिकल 324 के तहत कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा, ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यही उसका काम है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। लेकिन वो सारा के सारा कौन कर रहा है सारा खेल? वो सरकार। तो सरकार और इलेक्शन कमीशन, कहीं भेदभाव नजर आता है आपको इसमें? कहीं दोनों अलग अलग नजर आते हैं क्या? नहीं आते ना, दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। इसलिए
सरकार और इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में नहीं चाहते कि यह चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है और इसीलिए सरकार सीना ठोक के कह रही है कि इस बार 400 के पार। मोदी जी ने तो कहा कि इस बार सारी सीटें जीत के लाएंगे, 543 की 43। यह है असली कहानी, यह है पूरा का पूरा षड्यंत्र। तो सब कुछ जो हो रहा है यह सब इसमें शामिल है। कहने के लिए रह गया है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिलकर काम करता, सरकार के लिए काम करता है। इसलिए इसको बरकरार रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। और सरकार के इशारे पर ही जब हमने डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया कि कैसे गड़बड़ी होती है, उसके बाद गली गली घूम रहा है वो ईवीएम लेके, मशीनें लेके। यह है उसका सारा खेला जो है। और अब एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज, बेईमानी के कई तरीके हम आपको धीरे धीरे हर पहलू दिखाएंगे, पूरा बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन और सरकार किस तरह से इस खेल में शामिल है, क्या इनका घिनौना चरित्र है। एक और चीज बताता हूं आपको इसके बाद, इन दोनों चीजों के बाद। आप कभी, आप लोगों ने वोट डाली होगी, आप वोट डालने जाते हैं, तीन चीजें होती है, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। इन तीनों के बिल्कुल अपने अलग नंबर हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तीनों का, हर मशीन का बिल्कुल अलग होता है। और लास्ट में जब चुनाव, जहां पोलिंग खत्म हो जाता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि यह इंफॉर्मेशन जो भी एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट पार्टियों के, उनको दे। क्या इंफॉर्मेशन वो क्या देता है आपको? वो देता है आपको इतने इस बूथ पे वोट थी, इतनी वोटें पड़ी, इतनी महिलाएं थी, इतने पुरुष, इनकी वोटें पड़ गई, और ये पर्चा बना के आपको दे देता है। इससे क्या होता है? इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो क्या है, उसे नहीं देता। वो इंफॉर्मेशन कहां होती है? वो इंफॉर्मेशन हर मशीन के पीछे बाकायदा सील लगी हुई होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? वो चार्ट होती है, एक छोटी सी पट्टी होती है ग्रीन कलर की, और वो एक जो उसका गुलाबी कलर का एक पेपर होता है, उसमें वो सील चुपकी होती है मशीनों के पीछे। उसमें इंफॉर्मेशन होती है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी किस राज्य में या किस संघ शासित क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसका नाम होता है। उसके बाद नाम होता है क्या इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है या विधानसभा का इलेक्शन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है किस जिले में है, ये जिले का नाम होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो होता है, ये सारे कॉलम होते हैं बाकायदा भरे हुए, चौथे नंबर पर जो होता है उसमें लिखा होता है CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट / BU यानी बैलेट यूनिट / VVPAT नंबर, यानी इनके जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं वो सारे उसमें लिखे जाते हैं, क्योंकि हर मशीन का अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी मशीनों का एक नंबर है, हर मशीन का बिल्कुल अलग है। तभी तो पहचान होगी ना कि उस बूथ की मशीन ये है, ये लिखी जाती है। इसके बाद जिले का रनिंग नंबर होता है, और इसके बाद उसमें होता है नंबर जो बूथ जो होता है उसका बूथ नंबर होता है, और ये नंबर जो प्रिजाइडिंग वो जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर वो अपनी कलम से डालता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, जो इंजीनियर उसको ऑपरेट करता है उसके सिग्नेचर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाती है, किसी को भी। और इसके बाद मशीनें बंद करके ले जाती हैं। आप कैसे वेरीफाई करोगे जिस समय काउंटिंग होती है, जिस समय काउंटिंग होती है उस समय लाते मशीन, देख लो साहब ये मशीन है, साहब देख लो सील लगी है साहब, हाँ सील लगी है, हाँ जी हाँ सील लगी है, अच्छा शुरू करें, हाँ जी करो, बटन दबाया, देखो जी अब आना शुरू हो गया। क्या उससे पहले ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि किस राज्य की है, किस उसकी है, लोकसभा का है या विधानसभा का चुनाव है, और किस जिले की है, क्या इसका बूथ नंबर है, क्या इसका जिले का रनिंग नंबर है, और क्या इन मशीनों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, होना यह चाहिए कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास में रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखे, और दूसरा जो एजेंट है उनको दे, और जिस समय काउंटिंग हो वही कागज निकाल के इलेक्शन कमीशन भी लेके आ रहा, एजेंट से भी ले, भैया मिला लो, देखो यही चीज है ना, ये मशीन का नंबर देखो, ये सारे कागज देखो, कहीं नहीं होता। यह बेईमानी, लोगों को पता नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर ध्यान नहीं देती हैं।
जिसकी वजह से ये चोरी चल रही है। इसका मतलब साफ है, हम जो बार बार कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगा 2024 के चुनाव, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो बेईमानी, जो धांधली अब से 70-72 साल से चलती आ रही है इस देश के मतदाता के साथ, अब वो बेईमानी किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये है सारी चीजें, क्योंकि ये सब कहने के लिए इलेक्शन कमीशन, सारा काम तो सरकार कर रही है, और सरकार कभी चाहेगी कि वो ना जीते? जो मोदी जी दिखा रहे हैं, एक नया काल चक्र शुरू हो गया है, एक नया एरा शुरू हो गया है, अमृत काल। वो जो अमृत काल है ना मोदी जी, एक बार मैदान में बैलेट पेपर से आ जाओ, वो सारा अमृत काल जो ना सब यहीं धरा रह जाएगा। यह है कहानी, यह बेईमानी है, यह है खुलासा जो हमने आपको कहा। जो चार दिन का, पिछले चार दिन का जो डाटा है हमारे पास में, जो मिस कॉल आ रही है, उस डाटा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो चार दिन अभी हुए नहीं है, वो चार दिन में 7 बजे होंगे, पूरे चार दिन जिसको बोलेंगे, और रात में जो बंद रहता हो, बाकी जो लगातार कॉल आ रही है, वो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे तो वो डाटा जो कॉल लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, या जो हमारे देश में जो बेचारे मतलब साधारण लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि कॉल कर रहे हैं तो कॉल कट गई तो उसी समय काट हो जाना चाहिए कि भाई अब हमारी कॉल चली गई, लेकिन वो लगातार कॉल कर रहे हैं। और लगातार कॉल करने का यह है कि जितना एक्चुअल में नंबर आए हैं, कॉल उससे कम से कम 8 गुना ज्यादा है, ये स्थिति है। और जो कॉल अब तक आई हैं इन चार दिनों में, इसके पीछे का जो 5 दिन का डाटा है वो अलग है, लेकिन इन चार दिनों में जब से हमने सॉफ्टवेयर डलवा के जो सिस्टम है इसको अपग्रेड किया है, 4,65,000 यानी 4,65,000 लोगों की कॉल एक्चुअल में जो कॉल है, और ये कई कई बार कर रहे, तो मैंने बताया आपको 8 से 10 गुना ज्यादा जो लोग कॉल कर रहे हैं जिनको मालूम नहीं। सो 12,70,000 ये ईश्वर जी है, ये देखते हैं जो टोटल अब तक मतलब लोगों ने उस पर किया है 12,70,000, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार जो कर रहे हैं, टोटल जो उसका आंकड़ा आया है वो 4,65,000 लोगों की कॉल अब तक रजिस्टर हो चुकी है, और उसको भी अगर कर लें तो 5 लाख के पार हो चुका जो लोगों के लगातार मिस कॉल के आ रहे हैं।